स्वागत है आपका डेली नौकरी के YouTube चैनल में। दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज 14 सितंबर 2019 है और मैं लेकर आ चुकी हूं सरकारी नौकरी अपडेट्स। 10th, 12th डिप्लोमा होल्डर्स, ITI, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का सुनहरा मौका लेकर आई हूं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और एक और बात, ये ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, तो अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी भर्तियों की बात। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेके आया है 10th 12th कैंडिडेट्स के लिए बम्पर भर्ती। DRDO ने एडमिन एंड एलेट कैडर के तहत विभिन्न पदों के लिए 224 वैकेंसीज को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत DRDO अपने देश भर में स्थापित 60 लेबोरेटरीज एस्टेब्लिशमेंट्स यूनिट्स में भर्ती करेगा। अब जो पोस्ट इनमें शामिल हैं वो हैं स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, क्लर्क, असिस्टेंट हलवाई कम कुक, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर एंड फायरमैन। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 10वीं और 12वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के समय आपको ₹100 एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा। पर वुमेन, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2019 है। इस वीडियो में मैंने हर जॉब की शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी है। डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टॉप जॉब की जो निकली है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। OPSC ने फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ओडिशा में वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के बहुत सारे पदों यानी कि 207 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। खास बात ये है कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अप्लाई करने के लिए लिंक 4 अक्टूबर 2019 को एक्टिवेट होगा और 4 नवंबर 2019 तक खुला रहेगा, इसलिए आप 4 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारी तीसरी टॉप जॉब नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से है। नॉर्दर्न रेलवे ने पार्लियामेंट हाउस कैटरिंग यूनिट कमर्शियल डिपार्टमेंट दिल्ली में मल्टीटास्किंग स्टाफ के 118 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि 118 पदों में से 94 पद कैटरिंग यूनिट सर्विस साइट के लिए हैं और बाकी के 24 पद कैटरिंग यूनिट कुकिंग साइट के लिए हैं। कैटरिंग यूनिट सर्विस साइट के लिए अप्लाई करने के लिए 10th के बाद फूड बेवरेजेस में ITI, डिप्लोमा या कोई कोर्स रखने वाले कैटरिंग यूनिट सर्विस साइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें कैटरिंग यूनिट कुकिंग साइट की, तो इसमें भी आपके पास एलिजिबिलिटी के 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी या बेकर एंड कन्फेक्शनरी या फूड प्रोडक्शन में ITI होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कुक जनरल या कुक कॉन्टिनेंटल या कुक इंडियन कुजीन का कोर्स होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी या फूड प्रोडक्शन में ट्रेड डिप्लोमा होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर आप पास कर जाते हैं तो कैटरिंग यूनिट कुकिंग साइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस SC, ST, वुमेन, मिनोरिटीज, PWD, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ₹250 है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 है और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2019 है। ESI हरियाणा ने सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट एंड ट्यूटर के 53 वैकेंसीज को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। MBBS या कंसर्न स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले कैंडिडेट्स 25 सितंबर 2019 को सुबह 9 बजे वॉकिन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। वॉकिन इंटरव्यू का वेन्यू है ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, NH3, NIT फरीदाबाद। वेन्यू आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए ESIC के लिंक से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तुरंत हमारी अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। अब हमारी अगली और आखिरी टॉप जॉब है ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। OUAT ने सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एग्रोमेट ऑब्जर्वर के 18 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
किसी भी स्ट्रीम में 12th पास कैंडिडेट्स एग्रोमेट ऑब्जर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेशन की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास एग्रोमेट्रोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए फीस 700 रुपए है और एग्रोमेट ऑब्जर्वर के लिए फीस 500 रुपए है। पेमेंट मोड आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए OU80 के लिंक से चेक कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स 30 सितंबर 2019 शाम 5 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए यूनिवर्सिटी में जमा करवा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी टॉप GOVT जॉब्स। इन भर्तियों की डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नौकरी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट और अन्य बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप dailynaukri.com के गवर्नमेंट जॉब पेज पर जाकर देख सकते हैं। उधर से आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल PDF डाउनलोड करके डिटेल इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। साथ ही हम हर भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको इन भर्ती के बारे में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट लेकर आते हैं।